ये चलते हैं ग्वालियर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। सभी मान बिंदुओं का सम्मान किया और उनको सदियों सदियों तक श्रद्धा से लोग देखने आए, इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की। मित्रों, आज मैं यहां पर ग्वालियर में आया हूं। मैं ग्वालियर में आए हूं तब सबसे पहले महाजी सिंधिया की वीरता को प्रणाम कर नमस्कार करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने जो स्वदेश का, स्वराज का मंत्र जगाया था, पूरे उत्तर भारत में अनेक यातनाएं और कष्ट बैठकर झेलकर महाजी सिंधिया ने उसको आगे बढ़ाने का काम। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े बचपन से हूं। यही भूमि की दो विभूति श्रीमंत विद्याराजे सिंधिया जी, राजमाता जी और हमारे कुशा भाऊ जी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी श्रीमंत विद्याराजे जी को और कुशा भाऊ जी जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर आज एक संदेश दिया था कि भाजपा अपनी कर्म भूमि बनाया और अटल जी ने समग्र देश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर आज एक संदेश दिया था कि भाजपा की सरकार कैसी हो सकती है। हालांकि संयुक्त सरकार थी, फिर भी एक बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया था। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं एक आधुनिक से आधुनिक राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का भूमि पूजन आज हम सब ने मिलकर किया है। मैं सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस शिद्दत से, साथ बारीकी से इन्होंने एयरपोर्ट का प्लानिंग किया है, मुझे लगता है देश के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में ये हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट होगा। इसके साथ साथ यहां पर कई लोगों को ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण किया गया, उनको घर की चाबी दी। मित्रों, हम सब समझते हैं एक गरीब घर की व्यक्ति के लिए अपना घर एक स्वप्न होता है, और प्रधानमंत्री जी ने चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर गरीब को घर मिले, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने रखा है। बीच में यहां थोड़ा समय कमलनाथ जी की सरकार आई थी ना भाई, जरा जोर से बोलो, आई थी ना, अनुभव कर लिया ना, हो गया ना, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ना शहरी के लिए ना ग्रामीण के लिए चार आना भी नहीं दिया, सारी योजना बंद कर रख दी। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और आज योजना अपनी पटरी पर चढ़ गई। मैंने आते ही शिवराज जी को कहा, शिवराज जी उन्होंने जो किया वो किया, ये सारी योजनाएं थोड़ी पीछे पड़ गई है, क्या करोगे? उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा है द्रुत गति से करना है, तेज गति से करना है, और जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कर 24 के पहले लक्ष्य पूरा कर देना है। इसी तरह यहां से चंबल की नदी जा रही है भाई, ग्वालियर चंबल संभाग से ही लाखों करोड़ों गैलन पानी यहां से जमुना जी में, जमुना से गंगा जी में, ने गंगा जी से बंगाल तक जाता है, मगर यहां हर घर में पानी नहीं पहुंचता।
प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, हर घर नल से जल, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम किया, उसको भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। थोड़ा लेट हो गया मगर शिवराज जी ने उसको चालू किया और लगभग 4200 करोड़ के काम अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में आज शुरू। मित्रों, जो एयरपोर्ट बना है, 25,000 वर्ग मीटर का बिल्ट अप एरिया, 1,60,000 पैसेंजर से 11,00,000 पैसेंजर का क्षमता का विस्तार, 2.5 गीगावाट सोलर पावर के साथ ग्रीन एनर्जी से संचालित एयरपोर्ट, और एक साथ 1400 से ज्यादा यात्री को चढ़ाने की और उतारने की व्यवस्था यहां पर बनी। इसके साथ साथ यहां कार्गो टर्मिनल भी बना है जो ग्वालियर चंबल संभाग के सभी एमएसएमई का, लघु उद्योगों का माल, उनका उत्पाद पूरे विश्व के अंदर भेजने के काम आएगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी और इस क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास होगा। सोनिया मनमोहन के क्षेत्र समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते। पहले एक साल में 375 किलोमीटर रेल डाली जाती थी, आज 375 से बढ़कर 1458 किलोमीटर। और कृषि, नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कृषि का बजट जो पहले 27,000 करोड़ था, ताली बजाना जोर से, 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही। माताओं, भाइयों, बहनों, सिर्फ विकास नहीं, देश की कई ऐसी समस्याएं जो वर्षों से जिसका समाधान नहीं होता था, आप मुझे बताइए, आप सभी चाहते थे या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो? जरा जोर से बोलिए, चाहते थे या नहीं चाहते थे? एक कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया, हमें ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बनाए बताएंगे। मोदी जी ने, आपने प्रधानमंत्री बनाया दूसरे टर्म में, और तुरंत ही एक भी बूंद रक्त बहाए बगैर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया है। मित्रों, और अपने जीवन काल में ही हम एक भव्य आकाश को छूने वाला राम मंदिर अयोध्या की वही भूमि पर देख पाएंगे, ये संभव मोदी जी के कारण हुआ है। शिवराज जी ने कहा कि धारा 370 हट नहीं सकती थी, मोदी जी का ही दृढ़ संकल्प और मनोबल है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 से हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक दिया, और वो कश्मीर भारत माता का मुकुट बनकर हमारे सामने, राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हुआ। कई सारे ऐसे काम जो कभी नहीं हो सकते थे मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, सिविल एविएशन क्षेत्र में भी उड़ान को लाए, और आज 2 टायर और 3 टायर के हवाई संपर्क के कारण वहां से 1 करोड़ यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं, ये नरेंद्र भाई ने बताया। चंबल ग्वालियर वालों,
आप सभी का तीन तीन टीका लग गया है या नहीं लग गया है भाई, जरा बताओ लग गया है या नहीं लग गया है? एक पैसा भी देना पड़ा है? इतने बड़े देश में 224 करोड़ टीके लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने टेक्निक के आधार पर किया, टेक्नोलॉजी के आधार पर किया। और टीका लगाते ही 10 सेकंड में मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो वाली रिसीट भी आ जाती थी ना भाई। इतना ही नहीं, लगभग ढाई साल तक देश के हर गरीब को, ढाई साल तक देश के हर गरीब को मुफ्त राशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कार्ड और हर गरीब को मुफ्त राशन। नरेंद्र भाई ने 80 करोड़ गरीबों को पहली बार अनुभव कराया है कि आजादी के बाद इनके लिए भी कोई सोचने वाला है। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी, मैं इतनी ही बात करने आया हूं। मध्य प्रदेश ने एक बार कांग्रेस का अनुभव कर लिया है। कर लिया या नहीं कर लिया भाई? अरे जोर से बोलो, किया या नहीं किया? कैसा रहा? अब फिर से चुनाव आने वाले हैं ना। गलती मत करना, मोदी जी पर भरोसा रखकर, कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आज ग्वालियर शहर के लिए ये बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने भेजी है। ज्योतिरादित्य इसी विभाग के मंत्री हैं, ग्वालियर के ही है। स्वाभाविक रूप से नैनीहाल में अगर मां परोसने बैठे तो बेटे को खाने में कोई तकलीफ पड़ेगी क्या? पड़ सकती है। बहुत अच्छा एयरपोर्ट बनाने का उपक्रम ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ पर जमीन पर उतारा है। मैं ज्योतिरादित्य जी को और मोदी जी को पूरे संभाग की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी सरकार का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी, देश को सुरक्षित करेगी और भारत माता के गौरव गान को पूरे विश्व के अंदर सम्मान के साथ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय गृह मंत्री जी। यह ग्वालियर की पुण्य